हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको शॉपलिफ्ट है सी 2018 की जापनीज मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और ये एकेडमी अवार्ड विनर भी है, यानी कि इसने ऑस्कर जीता है। ये मूवी फैमिली के बारे में है। आप अगर आपकी फैमिली चूज कर पाओगे तो ये फैमिली कैसी होगी, ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के दो कैरेक्टर हम दिखते हैं। इसमें एक बड़ा आदमी और एक छोटा लड़का होता है। बड़ा आदमी का नाम के रखेंगे और छोटे बच्चे का नाम आईवार रखेंगे। ये दोनों हमें एक सुपर शॉप में आते हुए दिखते हैं। ये वहाँ आकर सब कुछ देखते हैं, उन्हें क्या चाहिए ये चूज करते हैं। उसके बाद ये जो छोटा लड़का होता है ये अपने बैग में सब कुछ भर लेता है, यानी ये शॉपलिफ्ट कर रहे होते हैं। आईवर को स्टोर का एम्प्लॉय पकड़ ना पाए, इसी वजह से के उसे कवर देता है। जब रात होती है तब ये दोनों घर आ रहे होते हैं। आईवर को कोरोगे खाना होता है तो ये बहुत सारे कोरोगे ले लेते हैं। जब ये घर आ रहे होते हैं तब एक बच्ची उन्हें एक कार्ट में दिखती है। आज बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी हुई होती है तो केक को बहुत ही बुरा लगता है। ये बच्ची यहाँ बाहर क्या कर रही है, ऐसा उसे सवाल आता है। ये बच्ची भूखी हो सकती है, इसीलिए वो उसे कोरोक भी देता है। इस छोटी बच्ची को फिर वो घर लेकर आता है। इस छोटी बच्ची का नाम हम सिगी रखेंगे। घर आने के बाद हमें सब फैमिली मेंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें ग्रैंड मा होती है, केक की जो वाइफ होती है वो भी होती है, इसका नाम हम क्रीम रखेंगे। क्रीम की सिस्टर होती है जिसका नाम हम डेजी रखेंगे। ये जो फैमिली होती है बहुत ही पुअर फैमिली होती है और इनका छोटा सा घर होता है। सिगी का जब एज पूछा जाता है तो वो 5-6 साल की होती है। इस फैमिली में जो ग्रैंडमा होती है वो सिगी के पास आकर बैठ जाती है। उसमें हाथ पर निशान होते हैं, ये वो देखती है। ये जले हुए, उसे बहुत ही मारा है, इसके निशान होते हैं। उसे जब ग्रैंडमा पूछती है कि ये क्या हुआ तो कहती है कि मैं गिर गई थी। वो यहाँ झूठ बोल रही होती है। जब रात हो जाती है तब के और क्रीम सिगी को अपने घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। सिगी के पेरेंट्स होंगे और वो परेशान होंगे, इसलिए वो वहाँ जा रहे होते हैं। जिस स्पॉट पे के को वो मिली थी उस स्पॉट पर वो जब जाते हैं तब उसकी मदर का उन्हें आवाज आता है। उनकी मदर एक आदमी से झगड़ रही होती है, अंदर से मारने की आवाज भी आ रही होती है। और ये सिगी के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही घटिया है। ऐसी छोटी लड़की को इतना अब्यूजिव इन्वायरमेंट में रहना बहुत ही गलत है, इसलिए के और क्रीम डिसाइड करते हैं कि वो उसे घर लेकर आए। क्रीम इसके खिलाफ होती है पर के का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है। के क्रीम को बोलता है कि प्लीज इसे सिर्फ एक रात के लिए घर पर रहने दो। जब सुबह होती है तो सिगी ने अपना बेड गीला कर दिया होता है। ग्रैंडमा इस सब का ख्याल रख लेती है। सुबह होने के बाद हमें के और क्रीम अपने सेपरेट जॉब्स में जाते हुए दिखते हैं। क्रीम एक लॉन्ड्री में काम करती है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। ग्रैंडमा, आईवर और सिकी सब घर पर ही रहते हैं। इस फैमिली में आईवर स्कूल में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा से मिलने उसके घर एक आदमी आता है। इस आदमी को देखकर वो सब लोगों को छिपा देती है। ग्रैंडमा का जो घर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें बिल्डिंग भी बन सकती है, इसलिए उसे कन्विंस करने के लिए आदमी आया हुआ होता है। बिल्डर ने इसे भेजा हुआ होता है और ग्रैंडमा को वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, इसलिए वो उसे सलाह दे रहा होता है। ग्रैंडमा का जो बेटा होता है वो किसी अलग जगह पर रहता है। उसे कहता है कि तुम वहां जाकर रह सकती हो। ग्रैंडमा को कहीं भी मूव नहीं होना होता। यहाँ पता चलता है कि ग्रैंडमा के साथ जो भी सब कुछ ये रह रहे हैं ये लीगली नहीं रह रहे, किसी को भी इनके बारे में पता नहीं है। थोड़ी देर बाद आईवर और सिगी दोनों बाहर निकलते हैं। आईवर उसे एक शॉप में लेकर आता है। वो कल सुपरमार्केट से शैम्पू लाना भूल गया था तो इसलिए आज वो यहाँ शैम्पू लेने के लिए आया है। यहाँ से वो शॉप लिफ्ट कर वहां से चले जाते हैं। आईवर और सिगी एक वैन में आते हैं और वह खेलने लग जाते हैं। आईवर उसे पूछता है कि तुम्हारे बॉडी पर जो मार्क्स है, मारने के मार्क्स है, ये तुम्हारी मदर ने तुम्हें किया है? वो कहती है कि नहीं, मेरी मदर बहुत ही अच्छी है, वो मेरे क्लोथ्स वगैरह बाय करती है। घर जाते जाते आईवर सिगी से फिर से पूछता है कि क्या तुम अब घर जाने वाली हो, पर वो घर नहीं जाती। वो फिर से आईवर के साथ उसके घर आ जाती है। घर आने के बाद सब फैमिली डिनर कर रही होती है तो वो फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या अब वो सिगी को घर वापस लेकर जाए। वो डिस्कस करते हैं कि इसे किडनैप किया है ऐसा लग रहा है। इस पे भी क्रीम कहती है कि हमने कुछ रैंसम वगैरह नहीं मांगा, हमने इसे किडनैप नहीं किया है और वो घर जा सकती है। जब उसे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए वो चली जाएगी। ये केक खा रहे होते हैं, एक स्पेशल केक होता है तो सिगी को भी ये खाना होता है, तो ग्रैंडमा उसे स्पेशली खिलाती है। ग्रैंडमा सिगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होती है। सिगी बेड वेट करती है तो इसका भी उसके पास सोल्यूशन होता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे बेड पर सो। ग्रैंडमा फिर उसे एक सॉल्टी चीज खिलाती है जिससे वो बेड वेट नहीं करेगी। आज जब कि कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर बड़ी चोट लग गई। उसका एक कोवर्कर उसे घर लेकर आता है, सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। ग्रैंडमा उसे पूछती है कि अब तुम काम नहीं कर पाओगे तो पैसे कैसे आएंगे? वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन पे मुझे हर्ट हुआ है तो इससे मुझे बहुत सारा सेवरेंस पे मिलेगा। अब वो चेन के सांस लेते हैं। ये जो फैमिली होती है इस फैमिली के लिए सर्वाइवल ही इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट दिन सिकी और आइवर फिर से शॉप लीव करते हैं और कैंडी खा रहे होते हैं। आइवर फिर उससे कहता है कि तुम्हें एक केक कौन खिलाता था। वो कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ खिलाती थी। वो उसे ग्रैंड माँ के बारे में पूछता है। सिकी कहती है कि वो हेवन में है। आइवर कहता है कि उसे भूल जाना ही फिर अच्छा होगा। उसे वो एक दिन शॉप लीव करना भी सिखाएगा। ये उससे कहता है आज ग्रैंड माँ डेजी के साथ सिटी में आती है। उसे अपनी पेंशन निकालनी होती है। पेंशन निकालने के बाद वो एक होटल में आते हैं। डेजी भी एक जॉब करती है तो ग्रैंड माँ इसके बारे में पूछ रही होती है। तो डेजी उसे बताती है कि एक स्ट्रिपिंग का जॉब होता है। डेजी एक प्राइवेट जगह स्ट्रिपिंग का काम करती है। डेजी जो काम करती है इसे ग्रैंड माँ को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अब घर पर ही होता है और क्रीम ये दोनों बात कर रहे होते हैं। क्रीम जहाँ काम करती है वहां उसके आवर्स कम कर दिए जाते हैं। उसका बॉस इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता तो इसलिए अब वो जरा कट कर रहा होता है। क्या कहता है कि ग्रैंड माँ की पेंशन है, हमें ज्यादा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड माँ की 60,000 येन ये एक पेंशन होती है। नेक्स्ट सीन में हमें डेजी जहाँ काम करती है वो दिखाया गया है। एक शीशा होता है जिसके दूसरे साइड पे आदमी बैठता है और एक साइड पे डेजी होती है। डेजी फिर इन आदमियों के लिए स्ट्रिप करती है। यहाँ इनके पास एक प्राइवेट रूम भी होता है जहाँ वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस प्राइवेट रूम में बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो इसलिए हर कस्टमर को ये सजेस्ट करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के आयोर और सिक्की ये सब एक शॉप में आए हैं। फिशिंग की जो सप्लाईज होते हैं इस शॉप में बेचे जाते हैं। ये चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और उनका जो एग्जिट डोर होता है उस पर भी सेंसर लगे होते हैं कि फिर वहां जो आदमी काम करता है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। आइवर सप्लाईज उठाता है और बाहर निकलने के लिए निकलता है। सिगी जो सेंसर्स का इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बंद कर देती है जिससे आइवर पकड़ा ना जाए। ये वो सक्सेसफुली चोरी कर लेते हैं और इसके बाद आइवर और के हमें डिस्कस करते हुए दिखते हैं। आइवर उसे बोल रहा होता है कि हमें सिगी की कोई भी जरूरत नहीं है। सिगी इस फैमिली में न्यू मेंबर है, ये उसे अब अच्छा नहीं लग रहा। आइवर को एक अच्छा सा खिलौना भी के ने दिया था पर वो सिगी के साथ शेयर नहीं कर रहा। के उसे कहता है कि अब तुम इसे अपनी सिस्टर बुला सकते हो। आइवर कहता है कि मेरी सिस्टर नहीं है। वो चीट कर वहां से चला जाता है। सिगी ये सुनकर रोने लग जाती है। ये उसे समझाता है कि जो बोल रहा था ये मीन नहीं करता, तुम ज्यादा वरी मत करो। फिर से हमें रात में सारी फैमिली इकट्ठा दिखाई गई है। यहाँ डेजी ग्रैंड माँ के लैप में सोई हुई होती है। डेजी का दिन उतना अच्छा नहीं गया होता और ये ग्रैंड माँ को समझ में आ जाता है। डेजी को देखकर भी समझ जाती है कि डेजी का दिन अच्छा था या बुरा था। सिगी बहुत ही दुखी होती है क्योंकि आइवर उससे खेल नहीं रहा। क्रीम फिर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। के और क्रीम हमें डिस्कस करते हुए दिखते हैं। क्रीम उसे कहती है कि इसका बचपन इतना खराब है, उसकी मदर इतनी अब्यूसिव है, फिर भी ये लोगों का ख्याल करती है। सिगी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लगती है। आइवर एक बंद पड़े हुए वैन में खेल रहा होता है। फिर के उसके पास आता है। वो उसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। आइवर कहता है कि हम सब लोग थे तभी मुझे सब परफेक्ट लग रहा था, उसे नई फैमिली मेंबर अच्छी नहीं लग रही, ऐसा उसे बताता है। के फिर उसे समझाता है कि हमारे लिए तो ये सही था पर सिगी के लिए अच्छा नहीं है। सिगी अगर फिर से उस घर में चली जाएगी तो उसके लिए ट्रबल हो सकता है। आइवर भी इस बात को समझ जाता है। के उसे कहता है कि तुम उसे अब सिस्टर बुलाओ और वो अपने आप को आइवर को फादर बुलाने के लिए कहता है। आइवर हेसिटेट करता है। वो कहता है कि किसी और दिन में तुम्हें फादर बुलाऊंगा। आइवर और के बात करने लग जाते हैं। आइवर के पास एक बुक होती है, उसकी स्टोरी वो उसे कह रहा होता है कि इस बुक में लिखा था कि छोटी छोटी मछलियां एक बड़े से फिश का सामना करती है। के कहता है कि वो बहुत ही भूखी होंगी। यहाँ पता चलता है कि सर्वाइवल के आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते, क्या सही क्या गलत इस बारे में वो कभी भी नहीं सोचते, इसलिए वो सब शॉर्ट फ्लिक्स वगैरह करते हैं। आइवर का कैरेक्टर हमेशा सोचता हुआ हमें दिखता है। अब 2 महीने बीत चुके होते हैं, फिर भी सिगी इनके पास ही होती है और ये अब टीवी पर आ चुका है, इसे अब ये प्रॉब्लम है। टीवी पर आने के बाद न्यूज पे लोग सबको अब पता है तो सिगी को पहचान सकते हैं, इसीलिए वो सिगी के हेयर्स काट देते हैं। नेक्स्ट दिन सिगी और आइवर आगे जा रहे होते हैं और ग्रैंड माँ और क्रीम दोनों बात करते हैं। क्रीम कहती है कि मुझे लगा था कि फिर से घर चली जाएगी पर इसने हमें चूज किया है। क्रीम भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें चूज किया था। अगर हम हमारी फैमिली को चूज करते हैं तो बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब है क्रीम और ग्रैंडमा में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो एक साथ रह रहे हैं। के और डेजी दोनों घर पर होते हैं तो डेजी उससे पूछती है कि तुम और क्रीम कभी इंटीमेट नहीं होते, तुम्हें कब वक्त मिलता है। के कहता है कि हम दोनों की सोल जुड़ चुके हैं, अब हमें फिजिकल रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। डेजी जो होती है हमेशा उसे इंटीमेसी की जरूरत होती है, वो लोगों से एक कनेक्शन बनाना चाहती है, इसी वजह से ग्रैंड माँ से उसकी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होती है। डेजी को ग्रैंड माँ और क्रीम दोनों एक शॉप में लेकर आते हैं। वो इसके लिए अब जरा कपड़े खरीदने वाले होते हैं। क्रीम जब उसके लिए कपड़े खरीद रही होती है तो डेजी बोलती है कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना।
वो कहते कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। क्रीम और सिगी दोनों जब घर पर आते हैं तो वो शावर ले रहे हैं, तब एक दूसरे की बॉडी पर वो सेम मार्क्स दिखते हैं। क्रीम का भी जो बचपन था वो सिगी की तरह ही हार्ड था, उसके बचपन में भी उसे कोई मारता था और इस वजह से उसकी बॉडी पर ये सब मार्क्स है। सिगी उसके लिए वरी करती है पर उसे कहती है कि अब ये हर्ट नहीं होता। जब रात होती है तब सिगी और क्रीम बैठते हैं और सिगी के सब ओल्ड क्लोथ्स वो जला देते हैं, कोई उसे पहचान सकता है इसलिए वो ये सब कर रहे होते हैं। क्रीम फिर सिगी को कहती है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें मारते नहीं, उसे हक करती है। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें हक करते हैं। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि आइवर और सिगी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। सिगी भी आइवर को ब्रदर बुला रही है और इस रिलेशनशिप को आइवर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ी देर बाद एक शॉप में हो जाते हैं, एक कैंडी को शॉप लीक कर रहे होते हैं। वहाँ का जो आदमी होता है उसे समझ में आ जाता है कि आइवर और सिगी क्या कर रहे हैं। वो आइवर को कहता है कि ये सब काम तुम अपने सिस्टर से मत करवाओ, तो उसे तो कैंडी दे देता है और जाने के लिए बोलता है। इसी दिन क्रीम और उसके जो कोवर्कर होती है उनका जो बॉस होता है वो उन दोनों में से एक को आज फायर करने वाला होता है। वो उन्हें ये चॉइस दे देता है, वो कहता है कि तुम्हें डिसाइड कर लो कि मुझे किसे फायर करना है। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो उसके फ्रेंड उसे ब्लैकमेल करती है, वो कहती है कि तुम उस लड़की को तुम्हारे घर पर रख रही हो, मैं पुलिस को बता सकती हूँ। क्रीम भी फिर अपना जॉब छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडमा हमें एक फैमिली के पास आई हुई दिखती है। ग्रैंडमा का जो पति था उसने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी हो जाने के बाद उसे जो बच्चे हुए थे उसी में से एक लड़का जो है उसके घर वो आई है, यानी कि ये उसका स्टेपसन है। इसके स्टेपसन की अब फैमिली भी होती है। इस फैमिली उसमें वाइफ और दो बेटियां होती है। यहाँ पता चलता है ग्रैंड माँ को जो स्टेपसन है उसकी बेटी डेजी है। इस स्टेपसन को पता नहीं होता कि वो ग्रैंड माँ के साथ रह रही है। उसे लगता है कि वो अब्रॉड गई है, वो वहां सीख रही है। जब ग्रैंड माँ जा रही होती है जाते जाते उसे स्टेपसन कुछ पैसे दे देता है। डेजी अपने जॉब पे फिर हमें दिखती है। उसका जो एक क्लाइंट होता है जो कुछ भी बात नहीं करता उसे वो एक प्राइवेट रूम में लेकर जाने के लिए मना लेती है। वो फिर अपने इस क्लाइंट को अपनी सिस्टर के बारे में स्टोरी सुना रही होती है। ये कुछ भी नहीं बोलता, ये बहुत ही हर्ट हो चुका होता है तो उसे हक करती है। इसे फिजिकल कनेक्शन से ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है। जब के और क्रीम घर पर आते हैं तो वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। के को हो जाने के बाद बहुत ही रिलीव लगता है क्योंकि उसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जब बच्चे घर पर आते हैं बहुत ही फास्टली ये कपड़े वगैरह पहनते हैं। डेजी जब घर पर आती है वो खुश होती है, आज उसे इमोशनल कनेक्शन मिला है। ग्रैंडमा को ये देखकर पता चल जाता है। डेजी भी मुस्कुरा ही रही होती है। जब रात होती है तो बहुत सारे फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। उनका जो घर होता है वो झाड़ियों से कवर अप होता है। ये सब बाहर निकलते सिर्फ इस फायरवर्क्स को सुनने लग जाते हैं। ये इसे देख नहीं पाते पर भी सुनने में ही इन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट दिन ये सब बीच पर आते हैं। बीच पर आने के बाद ये सब बहुत ही एंजॉय करते हैं। आइवर को लड़कियों के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाता है, तो फिर के इस बारे में उसे बात करता है। वो कहता है ये सब बहुत ही नॉर्मल है। एक फादर की तरह उसे वो इमोशनल सपोर्ट करता है, उसे सब कुछ चीजें अच्छे से बताता है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो ग्रैंड माँ अपनी नींद से जागती नहीं, वो अब मर चुकी होती है। क्रीम फिर सब बच्चों को समझाती है कि हमारे बीच का अब ये सीक्रेट रहेगा। वो ग्रैंड माँ को प्रॉपर बरियल नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। इनका और एक प्रॉब्लम होता है जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। ये ग्रैंड माँ को अपने घर के नीचे ही गाड़ देते हैं। फिर हमें क्रीम और के दोनों डिस्कस करते दिखते हैं और वो कहते हैं कि पिछली बार से अच्छा था, यानी कि पहली बार भी इन्होंने किसी को गाड़ा है। पिछली बार सरकमस्टांसेस जरा अलग थे। ये क्या थे ये भी हमें मूवी के आगे पता चलेगा। ग्रैंड माँ मर चुकी है तो क्रीम उसके एटीएम में जाते हैं, उसके सब अकाउंट से पैसे निकाल लेती है। जब क्रीम और आइवर घर आ रहे होते हैं तब आइवर को एक क्वेश्चन होता है, वो जो शॉपलिफ्ट करता है ये सही या गलत ये उसे समझ में नहीं आ रहा होता। क्रीम उसे कहती है कि अगर शॉप को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉप अगर बर्न नहीं हो रहा तो ये ठीक ही होता है। नेक्स्ट में के आइवर को अपने साथ लेकर आता है कि अब गाड़ी फोड़ कर एक बैग उसमें से निकालने वाला होता है। आइवर को एक काम नहीं करना होता। आइवर को फिर के बोलता है कि तुम सिर्फ नजर रखो। एक काम कर वो वहां से निकल जाते हैं। आइवर फिर के से पूछता है क्या तुमने मुझे भी ऐसे ही गाड़ी से उठवाया था। आइवर को पता नहीं होता कि कैसे वो के पास आया है। के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम ऐसे ही कहीं पड़े थे और हमने तुम्हें हमारे यहाँ जगह दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइवर और सिकी फिर से उसी शॉप में आते हैं जिस शॉप में उन्हें रोका गया था, जिस शॉप में एक आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी सिस्टर से ये काम मत करवाओ। अभी शॉप बंद हो चुकी है। आइवर को लगता है कि बहुत ही घटिया काम है। दूसरे शॉप में वो पहुंच जाते हैं। वो सिकी को कहता है कि तुम्हें अब ये काम नहीं करना है, तुम बाहर ही रुको।
वो अपने आप ये काम करना चाहता है, सिकी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सिकी मानती नहीं, अंदर आ जाती है, शॉपलिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ एक एम्प्लॉय होता है जो सिकी को देख सकता है, इसलिए आइवर फिर कुछ चीज उठाता है और एम्प्लॉय के सामने से ही वहां से भाग जाता है। सिकी को वो बचा लेता है पर वो एम्प्लॉय उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वो भागते भागते एक ब्रिज पर आ जाता है, दोनों एम्प्लॉय उसे यहाँ घेर लेते हैं, तो इस ब्रिज से वो कूद जाता है। वो हर्ट हो जाता है, उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं, वहाँ पुलिस भी आई हुई होती है, के और क्रीम भी वहाँ आते हैं। के और क्रीम से पुलिस पूछताछ करना चाहती है पर के और क्रीम वहाँ से भाग जाते हैं। जब रात होती है तब ये सब लोग वहाँ से भाग कर कहीं और जाना चाहते हैं, पर तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली डिटेक्टिव सिकी से बात करते हुए दिखते हैं। सिकी मिसिंग थी इसी वजह से उससे बात कर रहे हैं। इनके फैमिली में ग्रैंड माँ भी थी, तो ग्रैंड माँ भी मिसिंग है और इन्हें लग रहा होता है के और क्रीम ने ग्रैंड माँ को मार दिया है, इसी वजह से उसके सवाल पूछ रहे होते हैं। सिकी बीच का ड्राइंग कर रही होती है तो उसे पूछते हैं कि बीच पर कौन कौन गया था, ये सब सच सच बता देती है। आइवर से जब एजेंट बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रह रहे थे। वो उन्हें कहता है कि मैं एक अबैंडन्ड कार में रह रहा था। वो अपनी फैमिली को ट्रबल में नहीं लाना चाहता इसलिए वो उन्हें कवर करता है। फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़कर जा रही थी, जो एक्चुअल फैमिली होती है ये ऐसा नहीं करती। पुलिस जब सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं फिर वो डेजी से कहते हैं कि जो के और क्रीम है इन्होंने एक आदमी को मार दिया है। पुलिस कहती है कि क्रीम का हस्बैंड था पर उसका के साथ अफेयर हो गया था, इसी वजह से उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है। पुलिस जब क्रीम से बात कर रही होती है तो क्रीम कहती है मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। वो ये भी कहती है कि मैंने मेरे हस्बैंड को मारा है, के का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। कैसे डिटेक्टिव सिकी के बारे में पूछते हैं तो सच सच बताता है। वो कहता है कि वो स्टाक कर रही थी, हमने रैंसम ही नहीं मांगी थी, हम एक फैमिली की तरह रह रहे थे। डेजी के पास पुलिस होती है तो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे ग्रैंड माँ तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेती थी। डेजी ये सुनकर बहुत ही हर्ट हो जाती है। क्रीम ने जो क्राइम किया था उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब वो जेल में चली जाती है। थोड़े दिन गुजर गए हैं और आइवर अब फॉस्टर केयर में रह रहा है। वो स्कूल में जाने लग जाता है, उसे वैसे भी पढ़ना ही होता है तो इसके लिए बहुत ही सही है। डायरेक्टली उसे पूछता है कि पहले तुम स्कूल में नहीं जाया करते थे। वो कहता है कि के मुझे कहता था कि जो बच्चे घर पर रहकर नहीं पढ़ सकते वो स्कूल जाते हैं। डायरेक्टली उसे बोलता है कुछ चीजें तुम घर पर नहीं सीख सकते, जैसे किसी से फ्रेंडशिप बनाना। सिकी अपनी जो मदर है उसके साथ अब रह रही है। सिकी उसके मदर के पास जाती है पर उसकी मदर उसे हमेशा इग्नोर कर देती है। उसकी मदर उसे मारती है पर मारने से पहले उसे अपने पास बुलाती है। उसके पास बुलाने के लिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ्स बाय करूंगी, पर इस बार सिकी उसके पास नहीं जाती। उसे अब हर्ट नहीं होना है, अब वो स्मार्ट हो चुकी है, उसे अब कोई मारे नहीं इसलिए वो अपने आप का ख्याल रखती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि क्रीम डायरेक्टली उसे बात कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रीम 5 है। वो और के अपने लिए बच्चा नहीं पैदा कर सकते इसलिए उन्होंने आइवर को चोरी कर लिया था। डिटेक्टिव उसे कहती है कि जो भी तुम कर रही थी वो गलत था, तुम जब अपने बच्चे को जन्म देती हो तभी तुम मदर बनती हो, ऐसे तुम कभी भी मदर नहीं बन सकती, तुम्हारे चॉइस की तुम फैमिली नहीं ले सकती। अब हमें दिखता है कि बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं, आइवर और के दोनों फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग करते वक्त आइवर के को फिशिंग टूल्स के बारे में जानकारी देता है, ये जानकारी उसे स्कूल में मिली है। के भी उसके लिए प्राउड महसूस करता है। फिर ये दोनों क्रीम से जेल में मिलने के लिए आती है। क्रीम फिर आइवर को अपने रियल पेरेंट्स के नाम बता देती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती हो। वो के को कहती है कि यही सही चीज थी, यही हमें बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। रात में आइवर और के डिनर करते हैं, एक फादर और सन की तरह ही इनकी कन्वर्सेशन होती है। जब रात हो जाती है तो स्नो पड़कर बहुत सारा स्नो रास्ते पर होता है, ये दोनों फिर नीचे आ जाते हैं, वो स्नो से स्टैचूज वगैरह बनाते हैं। के आइवर को कहता है क्रीम ने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ सही है। आइवर अगले दिन फिर से अपने फॉस्टर केयर में जाने वाला होता है, उसे अलाउड नहीं होता कि वो के साथ रुके। के उसे कहता है कि तुम इन्हें बताना कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए बोला था। आइवर जाते जाते कहकर जाता है कि मैं जानबूझकर पकड़ा गया था। आइवर अब गाड़ी में बैठ चुका होता है और के को उससे बात करनी होती है। के उसके पीछे भागता है पर आइवर उसकी तरफ नहीं देखता। आइवर अब गाड़ी में उसे पापा बुलाता है, अब उसे एज अ फादर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट सीन में हमें दिखता है किसी की बैल्कनी में अपने आप ही वो खेल रही है और बैल्कनी से वो देख रही है, अपने फ्यूचर के लिए वो होपफुल है। अब मैं आपको सब कैरेक्टर्स के लिए एंडिंग क्या थी वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम सिकी के साथ स्टार्ट करते हैं। सिकी की मदर अब्यूसिव थी पर उसे फैमिली मिल चुकी थी। इस फैमिली मिलने के बाद उसे शॉपलिफ्ट करना पता चल गया। लास्ट सीन में हमने देखा था कि आइवर उसे कहता है कि तुम बाहर ही रुको पर वो अंदर आ जाती है।
अब वो अपने सिचुएशन का कंट्रोल लेती, उसे क्या करना है ये वो डिसाइड करती है। पहले वो विक्टिम बन चुकी थी, पर इस बार वो अपनी ये नहीं कर रही। उसकी मदर जब उसे पास बुलाती है, अब उसे पता चल चुका है अगर वो उसके मदर के पास गई तो उसे मारने वाली है, पर वो ये नहीं करती। वो स्मार्ट बन चुकी है, सर्वाइवल टेक्निक्स उसके पास आ चुकी है, अपने फ्यूचर को लेकर भी वो होपफुल है। अगर हम आइवर और के की बात करें तो जाते जाते वो उसे बोल कर गया कि मैं खुद से पकड़ा गया था, उसे फैमिली के साथ अब नहीं रहना था, पर यह सब झूठ होता है। जैसा हमने देखा था कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसे पकड़ा जाना ही पड़ा, ऐसा उसने के को जानबूझकर कहा था। के को अपना फादर मान चुका है और के तो उसे अपना बेटा मानता ही है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल है, और अगर ये डिसाइड भी करे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसे स्कूल जाना है, पर वो अगर के साथ रहता है तो ये कर नहीं पाएगा। अपने फैमिली के लिए हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो यही आईवर के लिए कर रहा है। के भी अब हार्ड हो चुका है, पर वो भी अब समझ लेगा कि आईवर के लिए यही सही था। यही हार्ड चॉइस क्रीम ने भी की थी। क्रीम इन सब बच्चों की मदर बनना चाहती थी, पर यह सही नहीं था। आप किसी भी फैमिली को बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जो गलत है वो गलत है, इसीलिए वो सही चीज कर देती है। आइवर को सही फैमिली की जरूरत है, इसलिए उसके पेरेंट्स का पता उसे दे देती है। अगर हम डेजी की बात करें तो डेजी को अब पता चल चुका है कि ग्रैंडमा उसके फादर से पैसे लेती थी, पर उसके फादर को कभी मालूम नहीं था, तो इस पर वो बिलीव नहीं करेगी। ये जो फैमिली थी ये डेजी से कभी भी उसके जॉब से पैसे नहीं लेती थी, इनकी यही डील थी। ये जब सब एक साथ रहने के लिए आए थे तब इन्होंने डील की थी कि वो डेजी से पैसे नहीं लेंगे। डेजी एक इमोशनल कैरेक्टर है, उसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही जरूरी लगती है। अब वो फिर से अपने फैमिली के पास नहीं जाएगी। उसे अपने काम के एक आदमी मिला था जो उसकी इमोशनल स्टेट शेयर करता है, उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग अब वो फ्यूचर में ढूंढेगी। ये सब लोग एज अ फैमिली एक चॉइस से रह रहे थे। इन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पर सर्वाइवल इनके लिए एक सोल पर्पस था, इसलिए ये सब वो कर रहे थे। आइवर और के की इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल थी। के उसे जो भी शॉर्ट लिफ्ट करने के लिए सिखाता था ये गलत था, पर के बोलता है कि मुझे यही आता है। जैसे फादर अपने सन को जो भी स्किल सुने आती है वो सिखाता है, इसी तरह से वो फादरहुड करता है। इसी तरह से के अपने सन को यानी कि आइवर को यह सब सिखा रहा था। जो भी चीजें उसे आती थी वो सब उसे सिखा रहा था। शॉर्ट लिफ्ट, उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी आती थी, वो भी वो आइवर को सिखाता था। ये एक डिसफंक्शनल फैमिली थी, पर ये फैमिली तो थी। ये जिस तरह से रह रहे थे ये सही नहीं था, और इन सबको ये पता था कभी ना कभी ये सब होने वाला था, और इनका फ्यूचर अनसर्टन था। कि अगर इनके साथ रुकता तो वो कभी स्कूल में नहीं जा पाता, सिकी की भी परवरिश सही से नहीं हो पाती, ग्रैंडमा की भी एज हो चुकी थी, तो कभी ना कभी वो मरने वाली थी। डेजी के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं था, वो ग्रैंडमा उसे देती थी, पर ग्रैंडमा जाने के बाद उसके पास क्या रहेगा। इसके बाद वो एक अलग इमोशनल सपोर्ट ढूंढेगी और इस फैमिली से चली जाएगी। कभी भी फैमिली एज अ फंक्शनल फैमिली नहीं रह सकती थी। ये जो सब हुआ ये सही ही हुआ। अब ये सब कैरेक्टर्स अपने लाइफ से मूव ऑन कर सकते हैं, और ये भी वो सब लीगली करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।